दोस्तों ये है वॉच 6 LTE। इसे लॉन्च हुए काफी टाइम हो चुका है बट ये अभी भी डिमांड में है एंड इसमें कुछ न्यू फीचर भी ऐड किए गए हैं। इसमें हमें अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, वॉच 6 ब्लूटूथ, वॉच 6 LTE, वॉच 6 क्लासिक एंड वॉच 6 क्लासिक LTE। बट वॉच 6 LTE में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, 44mm एंड 40mm। 44mm का वेट 33.3 ग्राम्स है एंड 40mm का वेट 28.7 ग्राम। वॉच 6 LTE 44mm दो कलर में हमें मिल जाते हैं, सिल्वर एंड ग्रेफाइट, और वॉच 6 LTE 40mm में आपको दो कलर देखने को मिल जाते हैं, गोल्ड एंड ग्रेफाइट। गाइज ये एक प्रीमियम वॉच है तो इसका लुक एंड डिजाइन काफी प्रीमियम है। इसमें हमें एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलेगा, साथ ही सेफायर क्रिस्टल से बना हुआ ग्लास फ्रंट। एंड गाइज अगर आप देखो तो इसमें बेजल्स को काफी कम कर दिया गया है। राइट साइड में पावर बटन एंड होम बटन, लेफ्ट साइड पूरा प्लेन है। वॉच के बैक साइड में आपको कुछ सेंसर देखने को मिलेंगे जैसे कि ऑप्टिकल हर्ट सेंसर, इलेक्ट्रिकल बायो सेंसर एंड टेम्परेचर सेंसर। इसमें आपको कुछ न्यू फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे कि टेम्परेचर सेंसर एंड NFC पेमेंट चिप मिलता है जिसके थ्रू आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। अपडेट के बाद NFC वाला फीचर पुराने वाले वॉच में भी वर्क करने लगा है, जैसे कि वॉच 4 एंड वॉच 5 में भी। चलिए हम इसके टेम्परेचर सेंसर को चेक करते हैं, बट उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके ये वाला ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है थर्मोचेक 365D। एंड उसके बाद आप अपने वॉच को ऑब्जेक्ट से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखकर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक कर सकते हो। इसमें आपको एक और नई चीज देखने को मिलती है, आप इसके स्ट्रैप्स को बस एक सिंगल बटन को प्रेस कर रिमूव कर सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग है। एंड आप जब भी चाहो इजीली स्ट्रैप्स को रिमूव कर सकते हो। इसके स्ट्रैप्स आपको अलग अलग डिजाइन एंड अलग अलग कलर में देखने को मिल जाते हैं जिसे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विथ 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस। इसमें हमें गोरिल्ला ग्लास DX का प्रोटेक्शन मिलता है, डिस्प्ले काफी अच्छा है, कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट सब भी काफी अच्छे हैं, देखने में एक पंची सा फील देता है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको एक्सिनोस W930 का चिपसेट देखने को मिलता है विथ 2GB रैम एंड 16GB स्टोरेज। 1.4GHz डुअल कोर CPU देखने को मिलता है जो इस वॉच के परफॉर्मेंस को और इंक्रीज कर देता है। पिछले वॉचेज के मुकाबले अगर इस वॉच को देखा जाए, वॉच 6 को, तो इसका जो ट्रांजिशन है वो काफी हद तक स्मूथ कर दिया गया है। 44mm वाले वॉच में आपको 425mAh का बैटरी मिल जाता है और 40mm वॉच में आपको 300mAh का बैटरी देखने को मिलता है। एंड वॉच 6 के सारे वॉचेस सपोर्ट करते हैं 10W डॉक वायरलेस चार्जिंग और ये सारे वॉच 1 से 2 घंटे के बीच में फुल चार्ज हो जाता है, बैटरी बैकअप भी अच्छा है। इसमें आपको अप्रोक्स 40 hours तक का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है और ये डिपेंड करता है कि आप इस वॉच को कैसे यूज कर रहे हो। अगर आपके पास कोई फोन है जो कि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो आप इस वॉच को उसके थ्रू भी चार्ज कर सकते हो। हमारे पास है ये S23 अल्ट्रा, सेटिंग में जाके सर्च कर लिया वायरलेस पावर शेयरिंग और मैंने इसे ऑन किया और जैसे ही वॉच को इसके पीछे रखेंगे वॉच जो है वो चार्ज होने लगेगा। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा ब्लूटूथ वर्जन 5.3, डुअल बैंड वाईफाई, NFC, GPS एंड साथ ही eSIM का भी सपोर्ट है क्योंकि ये LTE वॉच है, आप एक ही फोन नंबर को दो जगह यूज कर सकते हो। आप वॉच में eSIM इनेबल कर सकते हो और उसी नंबर को आप अपने फोन में भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास आपका फोन नहीं है या आपका फोन स्विच ऑफ हो चुका है फिर भी आप अपने वॉच से किसी का भी कॉल उठा सकते हो, किसी का भी कॉल कट कर सकते हो, यहाँ तक कि आप व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते हो। और इसका GPS भी मस्त काम करता है, आप आराम से कहीं का भी लोकेशन एंटर करके नेविगेट कर सकते हो। इसमें आपको काफी सारे एप्स मिल जाते हैं जो कि आपके डेली एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। एंड यस, इसमें आपको बॉडी कंपोजिशन मिल जाता है जिससे आप अपने पूरे बॉडी का कंपोजिशन मेजर कर सकते हो, वाटर परसेंटेज, स्केलेटल मसल, फैट परसेंटेज और भी बहुत कुछ। इसमें आपको काफी सारे मॉड्स मिल जाते हैं जिससे आप अपने अलग अलग तरह के एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हो। आप इस वॉच को सैमसंग वेरिएबल ऐप के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हो, यहां से आप वॉच के फेसेस को चेंज कर सकते हो। यहां पे आपको फाइंड माय वॉच का ऑप्शन मिलता है, अगर आपका वॉच आपको नहीं मिल रहा है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके स्टार्ट कर देना है और आपका वॉच जहां भी हो वो आवाज करने लगेगा, बट कंडीशन यह है कि आपका वॉच आपके फोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट रहना चाहिए। और वॉच सेटिंग में जाके आप वॉच में म्यूजिक को ऐड कर सकते हो, वॉच के गैलरी में इमेज भी ऐड कर सकते हो, बट ये सब कुछ आप एंड्रॉइड फोन के साथ ही कर सकते हो क्योंकि ये वॉच जो है ना वो एंड्रॉइड फोन के साथ ही कनेक्ट होता है। तो इन शॉर्ट ये वॉच
एप्पल यूजर के लिए नहीं है क्योंकि ये वॉच एप्पल के साथ कनेक्ट नहीं होगा। एंड सीरियसली इसका स्पीकर है ना काफी अच्छा है। आप इसमें कुछ एप्स भी इंस्टॉल कर सकते हो जैसे कि व्हाट्सएप एंड जीमेल। इसमें आपको बिक्सबी एंड गूगल वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो आप आराम से वॉइस असिस्टेंट के थ्रू कॉल कर सकते हो। हे बिक्सबी, कॉल ब्रोकन। एंड दोस्तों इसमें एक मस्त फीचर है, आप वॉच को बिना टच किए हुए कॉल को एक्सेप्ट और कॉल को कट भी कर सकते हो। आपको पहले सेटिंग में जाना है, एडवांस फीचर, गेस्चर, और यहाँ पे आप इनेबल कर दीजिए आंसर कॉल्स को। आपको कॉल रिसीव करने के लिए अपने हैंड को अप एंड डाउन डायरेक्शन में शेक करना है कुछ इस तरह, एंड कॉल कट करने के लिए आपको हैंड को कुछ इस तरह रोटेट करना है। वॉच को टच किए बिना आप इस पूरे वॉच को कंट्रोल कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग पे, देन एक्सेसिबिलिटी पे, और डाउन करके आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको नीचे जाना है, फिर ऊपर जाना है, यूनिवर्सल गेस्चर आपको जो दिख रहा है इस पे क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद आप इस पूरे वॉच को ऐसे करके नेक्स्ट कर सकते हैं, ऐसे करके बैक कर सकते हैं, मेक फिस्ट करके आप टैप कर सकते हैं, एंड एक्शन मेनू ट्वाइस टाइम करिएगा तो आपका एक्शन मेनू आ जाएगा। आप अपने इस वॉच को माउस की तरह भी यूज कर सकते हो। आप प्ले स्टोर में जाके इस वाले ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वाओ माउस को। अब आपका ये वॉच बन चुका है माउस। आप अपने लैपटॉप और अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हो इस वॉच के थ्रू। आप इस वॉच से अपने फोन को भी कंट्रोल कर सकते हो। आप ये देख रहे हो एरो अप एंड डाउन हो रहा है। और सैमसंग ब्राउजर से आप अपने वॉच में यूट्यूब वीडियोज भी प्ले कर सकते हो। इसमें IP68 का रेटिंग भी मिल जाता है। एंड दोस्तों आप इसे आराम से बारिश में भी यूज कर सकते हो या फिर स्विमिंग पूल में भी आप इसे पहन के कूद जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि IP68 वाटर रेटिंग होने के कारण ये डस्ट एंड वाटर प्रूफ है। अगर आप अपने इस वॉच का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑन करके रखते हो तो आपका इस वॉच का बैटरी जल्दी खत्म नहीं होने वाला क्योंकि इसमें हमें मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसके कारण हमारे इस वॉच का बैटरी जो है ना वो बहुत ही कम खपत होता है। तो दोस्तों आपको ये वॉच कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।